दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्नातक पार्ट टू जो परीक्षा होने वाली है। परीक्षा फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। 22 से 25 सत्र के जितने भी स्टूडेंट हैं, हिस्ट्री ऑनर्स अगर उनका है तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 3 का क्वेश्चन पेपर हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में 100% यही प्रश्न पूछा जाएगा। 100% गारंटी कि जो प्रश्न इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, इससे अलग प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं रहने वाले हैं। इसमें आपको बता दें कि 5 प्रश्न आपको उत्तर देना होगा, ठीक है, जिसमें से प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य रहेगा, जिसमें आपको 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा जो 2 अंक का होगा, तो ये अनिवार्य होगा। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर हम आपको बता दिए हैं, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके देखिए, चैनल पर उपलब्ध है। प्रीवियस ईयर्स 22 और 23 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन हम दे दिए हैं, तो आप इस चैनल पर देख सकते हैं। अभी के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं पेपर 3 हिस्ट्री ऑनर्स, जितने भी छात्र छात्राएं हैं इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। जो क्वेश्चंस हम आपको टिक करके देने वाले हैं, 110% वही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछने वाले हैं। तो पहला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, सल्तनत काल के इतिहास लेखन का विवेचन करें। ये अथवावन जो है ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। 100% गारंटी एक क्वेश्चन यहाँ से आपको टिक कर लेना है, या आपको देखिए एक नंबर क्वेश्चन है और यहाँ पे क्वेश्चन 2 आंसर एक ही होगा। तो दिल्ली सल्तनत के इतिहास के स्रोतों का विवरण दे, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो 2 नंबर ही प्रश्न है, ये भी नोट कर लेना है आपको। तुर्क आक्रमण के पूर्व भारत की राजनीतिक दशा कैसा था, इसको आपको बताना होगा। उसके बाद रजिया सुल्तान के बारे में पूछा गया है, और यहाँ से आपको बलवन राय के जीवन, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आप लोग नोट कर लेंगे, 100% आपसे पूछी जाएगी। फिर हम लोग नीचे आ जाएंगे, फिरोज खां तुगलक, उसके बारे में भी पूछा गया है। तो फिरोज खां शाह तुगलक, तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ से आप चौथा क्वेश्चन नोट कर लेंगे। विजयनगर और बहमनी, इस दोनों में से एक प्रश्न आपके एग्जाम में है, बहमनी और विजयनगर, तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी। तो टोटल 5 क्वेश्चंस हम आपको टिक करवा दिए हैं, ये 5 क्वेश्चंस ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके अलावा भी क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन आपको बनाना 5 ही क्वेश्चन है। इसके अलावा कौन कौन सा क्वेश्चंस रह सकते हैं तो हम आपको बता देना चाहते हैं। 100% कुतुबुद्दीन ऐबक क्वेश्चन रहने वाले हैं, यानी इसके बारे में जीवन या उपलब्धि या परिचय, इसके बारे में कुछ भी पूछे, बात एक का ही होगा, तो ये आपसे पूछा जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपको, इल्तुतमिश एवं बलबन राय की तुलना कीजिए, ये प्रश्न है। तो बिना किसी झंझट में, बिना परेशानी के आप परीक्षा में जाइए। जो क्वेश्चन हम बता दिए हैं यही क्वेश्चन आपको पढ़कर जाना है, गारंटी है कि इससे बाहर नहीं रहेगा। अगर आप लोग को आंसर नहीं तैयार करने में परेशानी हो रही है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आंसर वैसे भी तैयार कर रहे हैं, आपको भी जल्द ही PDF हम दे देंगे। तो PDF आपको कैसे प्राप्त करना है, इसके लिए हम आपको कुछ प्रोसेस बताने वाले हैं, जहाँ से आप बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल को ओपन, जैसे ही आप गूगल को ओपन करेंगे, इसी चैनल का नाम आपको सर्च करना है, MNC क्लासेस। जैसे ही आप MNC क्लासेस सर्च करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन होता है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो गया है, इसमें आप लोग यूनिवर्सिटी अपडेट्स पर आ जाएंगे। जैसे आप यूनिवर्सिटी अपडेट्स पर आएंगे तो आपके सामने नया पेज ओपन होगा, यहाँ पे हम लोग यूनिवर्सिटी अपडेट्स में आ जाएंगे। फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे पूरी जानकारी, अपडेट्स इसमें दी गई है, पार्ट टू फॉर्म भी भराने की बात बताई गई है, पूरी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। और यहीं पे आपको सर्च करना है, यहाँ पे सर्च बार आपको दिखने को मिल रहा होगा, इसी सर्च पे आपको सर्च करना है स्नातक यानी LNMU पार्ट टू गैस पेपर या फिर वायरल क्वेश्चन, तो आपको वो क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। और यहीं पर हम अपलोड भी करेंगे, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, यहाँ से आपको ज्वाइन हो जाना है और ग्रुप से भी आपको क्वेश्चन प्राप्त कर लेना है। बाकी यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।